सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी व्हाट्सएप के न्यू फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है डबल टैप रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, डबल टैप रिएक्शन होता क्या है और वह काम कैसे करता है और आप लोग उसे बंद कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जी व्हाट्सएप से रिलेटेड हमेशा न्यू न्यू वीडियो देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक विकास यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि डबल टैप रिएक्शन होता क्या है और वो काम कैसे करता है और आप उसे बंद कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली जो है, यहाँ पर देखिए हमारा चैट है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे तरफ से भी और अगले बंदे की तरफ से भी यहाँ पर चैट किया गया है। अब हम चाहेंगे तो अगले बंदे की तरफ से जो चैट किया उसके ऊपर हम रिएक्शन दे सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हाई लिखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए रिएक्शन जो हमारी तरफ से चला गया। फिर अगर जो आप चाहते थे तो यहाँ पर देखिए गुड मॉर्निंग लिखा हुआ, हम इसके ऊपर भी हम रिएक्शन दे दिया। कुछ इस तरह से जो आप रिएक्शन देख सकते हैं। तो फिर से यही इसका काम है। तो फिर अगर जो आप चाहते हैं रिएक्शन का जो है आइकॉन चेंज करना, मतलब स्टाइल चेंज करना, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको क्या काम करेगा, लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है, आप जो अपने हिसाब से रिएक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से दे सकते हैं। फिर आप चाहते हैं बहुत सारा, तो यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन है, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सारा इमोजी आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जो है रिएक्शन यहाँ से आप इमोजी के तौर पर सेट करके कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपको पता चल गया होगा फिर कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो फिर आप चलिए मैं आपको बता दूँ कि आप लोग इसे बंद कैसे कर सकते हैं, अगर जो बंद करना चाहते हैं तो उसको कैसे बंद कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली क्या काम करेंगे, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सेट जीबी सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्सन स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको बबल एंड टिक्स का ऑप्शन, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डिसेबल डबल टैप रिएक्शन, यहाँ से आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा, यहाँ से इसको चालू कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है चालू कर देंगे, वहाँ से जो है बंद हो जाएगा। अब सिंपली हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो है यहाँ पर देखिए हम पहले इसको रिमूव कर देते हैं, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आइकॉन वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो रिएक्शन वाला है उस आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए टैप टू रिमूव का ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हट चुका है। अब फिर से हम दोबारा करके देखते हैं, ठीक है, हम इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से रिमूव करके। अब देखिए डबल क्लिक करते हैं, रिएक्शन जो है बंद हो चुका है। इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप लोग बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।